दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों आज मैं आया हूँ नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पवनी में, और पवनी में इतना ज़बरदस्त दोस्तों बुद्धे भी आ रहे हैं जहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और जिन्होंने उनको खीर पिलाई थी तो उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। दोस्तों इस बुद्ध विहार में ऐसी देखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ की जो कलाकृति है वो पूरी जैपनीज है, यानी थाईलैंड के लोग यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर बनाया गया है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ ऐसी काफ़ी सारी ऐसी प्रतिमा है जो खंडित हो चुकी है। यहाँ पे भी एक प्रतिमा थी, वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, पर खंडित हो चुकी है, क्योंकि ये जो जितना एरिया है ये पूरा एरिया फॉरेस्ट में आता है। और आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे शाम के 5 बजे के बाद जो शेर होते हैं वो शेर आते हैं इस बुद्ध विहार में सलामी देने के लिए। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी अद्भुत होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और मुझे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हो, कौन से सिटी से देख रहे हो, क्योंकि हर बार मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता ही हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि अलग मुद्रा में थी, वो भी अभी खंडित हो चुकी है, उसके कारण से वहाँ से निकाल दी गई है। और यहाँ पे जो है उनके जो शिष्य है, जो कमल के फूल का जो आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया गया है, और ऊपर उनके जो शिष्य है जो मुंडन के आप देख सकते हो, तो वहाँ पर वैसी प्रतिमा है। चलिए यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ इतनी पॉइंट की है दोस्तों देखने लायक, और यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने आते हैं, फॉरेन से आते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं यहाँ से लोग आते हैं। दोस्तों इस साइड आप देख सकते हो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, तो तब उस समय की यहाँ पर प्रतिमा है। आप देख सकते हो वहाँ से पूरी हड्डी उड्डी सब कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, पर देखिए उस समय की वहाँ पर प्रतिमा है। और इस साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध जो सोने वाली मुद्रा है उस मुद्रा में यहाँ पे प्रतिमा दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के अभिवादन करते हैं। और इस साइड में भी आप देखिए भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है जो कि जैपनीज पैटर्न से है, काफ़ी आकर्षित और काफ़ी खूबसूरत लगती है। दोस्तों कमेंट में नमो बुद्धाय जय भीम ज़रूर लिखना। और ये जितना प्लेस है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्लेस है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ तक यही एरिया का प्लेस दिख रहा है। दोस्तों ये जो बुद्ध विहार है नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर से दूर पवनी में स्थित है। दोस्तों इसका जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट पवनी आ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर बनाया गया था, बट अभी यहाँ पर कुछ है नहीं। और यहाँ पर जो हमारे भिक्खु लोग होते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए निवास स्थान बनाया गया है। और ये पूरा स्थान आप देख सकते हो पूरा फॉरेस्ट स्थान है, यहाँ पे चारों तरफ जंगल। और शाम को यहाँ पे 6 बजे के बाद शेर आते हैं। दोस्तों आप खुद ही यहाँ से देखिए, आपको नहीं बंदा नहीं बंदे की जान, और ना ही यहाँ पर चारों तरफ कोई भी दिखाई देगा। दोस्तों पूरा जंगल एरिया है, और यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो दोस्तों ये है पवनी का बोधि स्तूप, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो देखिए पूरा जैपनीज पैटर्न में। और वहाँ के लोग यहाँ पे आए थे जिनके द्वारा इस बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर अभी क्या क्या दर्शाया गया है आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो नहीं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शाम के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं, बट मैं आया हूँ दोपहर के समय। और इस समय धूप इतनी कड़ाके की धूप हो रही है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है मार्च एंडिंग महीना स्टार्ट है, तो धूप काफ़ी ज़्यादा है। बट तुम्हारा भाई आपसे जो वादा किया कैसे भूलेंगा, आप देख सकते हो वहाँ पर ऊपर पंछियाँ उड़ रहे हैं, सो काफ़ी आकर्षित और एकदम शांति भरा वातावरण है कि जो भी भिक्षु लोग यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पे साधना कर सकते हैं। एकदम शांति भरा वातावरण, उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, और चारों तरफ आप पर्यावरण के लुत्फ़ उठा सकते हो। तो चलिए
अभी चलते हैं हम बोधि स्तूप की ओर। अभी मैं आ चुका हूँ फ्रंट साइड में और यहाँ से आप देख सकते हो बोधि स्तूप। सो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षित, और मुझे देख के ऐसा लगता है जो हमारा ड्रैगन पैलेस है, ड्रैगन पैलेस भी कुछ इसी की तरह से दिखता है। और यहाँ पे एंट्री पे आप देख सकते हो दो शेरों का सिंबल है, जो कि आप मंदिरों में भी देखते होंगे। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अभी इसके ऊपर भी किसको क्या चुराना नहीं चुराना क्या बोलूँ, बट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शेर की प्रतिमा है दोनों आजू बाजू लेफ्ट राइट। यहाँ पे जो लोग हैं अभिवादन करने के लिए अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तथागत भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, और ये जो प्रतिमा है ये थाईलैंड से आई हुई प्रतिमा है शायद से। और साइड में आप देख सकते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्हीं के साइड में जो गौतम बुद्ध के अंग रक्षक महामुगलन थे उनकी प्रतिमा लगाई गई है। और अंदर अभी क्या क्या है दोस्तों अभी कुछ पता नहीं। यहाँ के जो केयर टेकर है, चलिए उनसे थोड़ी हम बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ के जो केयर टेकर है वो एक काका जी है। काका जी इत फोटो वोटो कुछ अलाउ नहीं है क्या अंदर जाना? मीडिया के लिए नहीं, किसके लिए नहीं? ये पूरी जो जगह है किसके अधीन है? संगरत्न मानकर भंती जी, और ये नागपुर के रहवासी है। ओके, तो इनके द्वारा निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी मीडिया डिजिटल मीडिया से कोई भी आए तो इनके तौर से अंदर यहाँ पे फोटोज़ नहीं निकाली जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका ऐसा कहना है, जो यहाँ के केयर टेकर है इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इसको फ़ोटो स्टूडियो बना के यहाँ पे फ़ोटोज़ निकालने का काम करते हैं। बट मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों काफ़ी सारे लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो एक ऐसा होता है कि दूर से आने के बाद इंसान एक ने एक फ़ोटो निकालता है, बिना फ़ोटो निकाले तो यहाँ पे जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। पर आप यहाँ से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, बट इनका अभी जो है फॉलो करते थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भगवान गौतम बुद्ध की काफ़ी सुंदर प्रतिमा है, और साइड में महामुगलन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जितना भी है ये जैपनीज पैटर्न से बना हुआ है। और ये जो एरिया है काफ़ी यानी पर्यावरण से भरा हुआ एरिया है, चारों तरफ आपको पर्यावरण ही देखने को मिलेगा। साइड में आपको वैनगंगा नदी है और बहुत कुछ है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताइए। बट यहाँ पे जो हम लोगों का है अंदर नहीं जाने दिया, यहाँ का जो प्रचार प्रसार है उसका भी क्या ज़रिया है मुझे पता नहीं। पर जो हम कहीं पे भी जाते हैं तो आचार प्रचार के लिए हमको कोई टेंशन नहीं होता है। बट जो भी कुछ है आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।